उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में जैसे ही प्रियंका गांधी ने महिला उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो शाहजहांपुर 135 नगर विधानसभा से पूनम पांडे का नाम प्रकाश में आया। वहीं हैरत की बात यह है कि पूनम पांडे को राजनीति और चुनाव लड़ने का फिलहाल कोई इतिहास नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की प्रत्याशी आशा कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे अपना मानदेय बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर वे चर्चा के केंद्र में है। पूनम शाहजहांपुर स्थित नई बस्ती रेती की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति की जिला अध्यक्ष कमलजीत कौर ने सीएम को मांग पत्र देने के बारे में प्रशासन को सूचित कर दिया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर आए और आशा वर्कर ने अपनी मांग पत्र देने के लिए आगे आए तो यूपी पुलिस ने इनको रोक दिया। वहीं आरोप है कि इस दौरान पूनम को वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष के मुताबिक पूनम पांडे एक जुझारू महिला हैं। जब पुलिस इन पर लाठियां चला रही थी तब इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, जो वास्तव में काबिले तारीफ है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक इतनी छोटी परिवार से जिस महिला को एक इतना ऊपर उठने का मौका दिया है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है टीम के भाइयों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके वहां तक पहुंचाया, और प्रियंका दीदी के लिए मुझे गर्व हो रहा है। इसलिए मैं एक चीज उनके लिए बोलूंगी, तेज कर दो आगे को इस बार प्रियंका गांधी को। किस तरीके से महिलाओं के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? हर तरीके से, हर संभव प्रयास रहेगा मेरा कि मैं महिलाओं के लिए हर प्रकार से खड़ी रहूं। शाहजहांपुर से जनमत न्यूज के लिए राजीव शुक्ला की रिपोर्ट।